चलो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ विज्ञान सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने दो पार्ट पहले ही कंप्लीट कर दिया है और उन दोनों पार्टों को अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा है पार्ट 1 पार्ट 2 का। जैसे ही आप क्लिक करोगे वीडियो प्ले होने चालू हो जाएगा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 3। इस पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा और ये सभी के सभी प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ये भी मैं बताऊंगा कि ये कितने नंबर के किस अध्याय से प्रश्न आएंगे, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने 1 से 11 तक के अध्याय पहले ही देख लिए हैं, 12 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12वां अध्याय देखो, 12वां अध्याय क्या है हमारा, पर्यावरण परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, ये है। अब जिनके पास परीक्षा बोध नहीं है वो इसे कहाँ पे ढूंढेंगे, तो ये पाठ के नाम से ढूंढना, ठीक है, इसी पाठ के नाम वाले में मिलेगा आपको। और जो लोग परीक्षा बोध 2021-22 मतलब करेंट ईयर इसी साल के रखे हैं तो उनको ये आसानी से सभी प्रश्न वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखें, अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न आपको इस अध्याय से देखने को मिलेगा। तो 1 नंबर वाले प्रश्न को मैं रोक रहा हूँ, बाकी 2 नंबर वाले जितने प्रश्न हैं उन सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अति लघुतरी प्रश्न है, ठीक है। अति लघुतरी प्रश्न में यहाँ पे पहला प्रश्न को देखना है, फिर यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न को भी देखना है, ये भी आईएमपी है, तीसरा प्रश्न भी आईएमपी है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो ये भी आईएमपी है, पांचवा प्रश्न भी आईएमपी है, ठीक है। इसमें छठवां प्रश्न भी आईएमपी है, सातवां भी आईएमपी है। देखो सन में आए उसको मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, क्यों, क्योंकि सन में आए हुए प्रश्न बहुत कम उठाते हैं लेकिन उठा भी लेते हैं कई बार, इसलिए सन में आए हुए प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 में देखो बहुत पीछे वाले में सन में आए, तो अधिकतर चांस ये होता है कि सबसे पीछे वाले सन को ना ज़्यादातर उठाते हैं क्वेश्चन को, तो ऐसे प्रश्न अधिकतर बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी, आईएमपी जो कहते हैं ना, मोस्ट 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 आईएमपी, ऐसे ही प्रश्नों को कहते हैं, ठीक है। ये भी देखो 2018 में है, तो ये भी क्या है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये सब, ठीक है। ये भी प्रश्न देखो 2018 और 2020 दोनों में आए हैं, मतलब क्या, एक बार आ चुका है और दूसरी बार 2018 के साथ 2020 में आया, मतलब क्या, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक सन छोड़ के एक बार आ रहा है, मतलब 20 के बाद 22 में भी आ सकता है, ऐसे भी हम लोग ट्रिक निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वो लोग पेपर छांटते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे जितना भी मैं आईएमपी प्रश्न लाया हूँ वो सब उसी के पैटर्न पे मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 17 को भी आपको देखना है, ठीक है। ये जीव भार का पिरामिड क्या है, ये और ज्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, क्यों, क्योंकि ये आया तो नहीं है किसी सन में लेकिन ये जो जो प्रश्न बैंक है ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न में इसको दिखा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चांस है इस प्रश्न के आने के, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे 2017 में है, ठीक है, ये प्रश्न आया है लघुतरी प्रश्न क्रमांक 1 में आया है, देखो खंड 1 है ना, ये खंड 1 में ये प्रश्न आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो दूसरा में यहाँ पे 10% है, तो 10% जैसे मैंने देखा तो मुझे एक प्रश्न याद आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो भी हम आहार खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, तो उसका 100% ऊर्जा हमें नहीं मिलता, कितना मिलता है, 10%। तो याद रखना कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अगर हम जो भोजन करते हैं उसका हमें ऊर्जा कितने प्रतिशत प्राप्त होता है, तो आपको आंसर बताना है 10%, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, हो सकता है 1 नंबर में आ जाइए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है, जैव विविधता से क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न को भी आपको देखना है, इसका उत्तर बहुत बड़ा है लेकिन आप इसको शॉर्ट कर लेना, पढ़ने के बाद जो आसान लगे उस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में दीर्घोत्तरी मैं क्यों बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो कोसी स्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कह रहा है, ठीक है। तो कोसी स्तर क्या है, हमें इसे पूरा नहीं पढ़ना है, कोसी स्तर क्या क्या है, एक होता है उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है और एक है अपघटक है, ठीक है। तो तीन होता है, उत्पादक क्या होता है, तो उत्पादक के बारे में मात्र आपको ये पूछा जाएगा कोसी स्तर कितने होते हैं, ठीक है, नाम बताइए, इतना पूछा जाएगा आपसे, बस आपको इतना ही बताना है। तो तीनों के नाम बताना, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है, तो तीन होते हैं, ये चीज आपको बताना है। अब अगर आपको जानकारी पता है कि उत्पादक क्या है, तो उत्पादक वो चीज है जो जीवित तो है लेकिन चल फिर नहीं सकते, ऐसे चीज क्या है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, घास, ये सब क्या है, जीवित है लेकिन चल फिर नहीं सकते, उसको हम उत्पादक में लेते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो उसको खाता है, पेड़ पौधे के पत्ते को खाता है, पेड़ पौधे के फल को खाता है, ये सब क्या है, उपभोक्ता, जैसे मनुष्य, गाय, खरगोश, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब उपभोक्ता में आता है। अपघटन क्या है, अपघटन जब किसी
किसी की मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो मृत्यु होता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करते हैं, अपघटन कर दे, सड़ाने गड़ाने का काम करते हैं ना, वो होता है अपघटन का काम। तो ये तीन पाए जाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। समझ में आ गया? बस इतना ही आपको, अगर इसमें ये प्रश्न आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी लिखना चाहो तो बस इतना ही आप उसमें लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से 2 नंबर के प्रश्न बस आपको इस अध्याय में इतने ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अध्याय 13 देखो। अध्याय 13 में क्या है, 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न आएगा, विद्युत धारा एवं परिपथ दिया हुआ है। इस अध्याय वाले टॉपिक में आपको खोजना है और ये परीक्षा बोध है, तो परीक्षा बोध में आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के क्वेश्चन के लायक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देखना है आपको, 2 को नहीं देखना है, तीसरा को नहीं देखना है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आपको देखना है सीधा 6वां प्रश्न को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे 7वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे 8वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9वां भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, विद्युत शक्ति की परिभाषा है, ये तो है 2 नंबर के, लेकिन 3 नंबर का कैसे बनेगा, तो ध्यान देना, इसका मात्रक लिखिए कह देगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 2 नंबर के कुछ प्रश्न जो है ना, वो 3 नंबर के इसी तरह से बनते हैं, ये जो प्रश्न है इसके साथ ऐड कर दिया जाता है तो वो 3 नंबर के बन जाते हैं। अब लघुत्तरी खंड 1 में देखते हैं 2रा प्रश्न को देखना हमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो खंड 1 में ही हमें 3रा प्रश्न देखना है, लघुत्तरी के खंड 1 में, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी में हमें 6वां प्रश्न देखना है, ठीक है, 5वां आपको नहीं देखना है, 4था नहीं देखना, डायरेक्ट 6वां प्रश्न को टिक करना है। फिर यहाँ पे देखो 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न को आपको टिक करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 8वां प्रश्न, ठीक है, 8वां भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से देखो 9वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद खंड 2 में देखते हैं, सॉरी खंड 2 तो नहीं है, दीर्घोत्तरी, ठीक है, दीर्घोत्तरी में देखते हैं। तो दीर्घोत्तरी में देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दीर्घोत्तरी 2रा प्रश्न आपको देखना है, ठीक है, ये आपको गाइड में आसानी से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 3रा प्रश्न को भी देखना है, ये भी आपको गाइड में आसानी से, मतलब आपके जो परीक्षा बोर्ड है इसमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे 4था प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 5वां नहीं देखना है और ना ही आपको 6वां देखना है, तो बस इस अध्याय में बस आपको इतने ही देखने थे। इसके बाद अध्याय 14 में आते हैं, तो अध्याय 14 में 1, 3, 5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो हम 3 नंबर और 5 नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो अध्याय क्या है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव में आते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक में है। अब यहाँ पे ये 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन इसमें अगर पूछ दिया जाएगा इसके 2 गुण लिखे, तो ये क्या होगा, 3 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक कर लेना और नाम भी लिख लेना, ठीक है, 2 गुण भी वहाँ पे आप लोग ऐड कर लेना, ठीक। चलो आगे देखो, इसके बाद 3रा प्रश्न देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी 2 नंबर के प्रश्न है, इसके साथ कुछ ऐड कर दिया जाएगा तो ये 3 नंबर के बन जाएगा, ठीक है, तो आप अभी ऐसे ही देखो, ठीक है। इसके बाद देखो ये 4था प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो 6वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10 को आपको नहीं देखना है, ठीक है। इसके बाद आपको डायरेक्ट देखना है 11वां प्रश्न को याद करना है, 12वां प्रश्न को याद करना है और 13वां प्रश्न को याद करना है। फिर लघुत्तरी खंड 1 में आते हैं, तो खंड 1 में हमें डायरेक्ट 3रा प्रश्न को देखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपको 4था प्रश्न को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 5वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 6वां 7वां आपको नहीं देखना है। फिर खंड 2 में आते हैं, खंड 2 में आपको 2रा को देखना है, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं, इसी खंड में डायरेक्ट आपको देखना है 4था प्रश्न देखना है 2रा के बाद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो 5वां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दीर्घोत्तरी में आते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न का मांग में देखो पहला इंपॉर्टेंट है, 2रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3रा भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं 4था प्रश्न पे, देखो 4था इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आते हैं 6वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आपको देखना है 6वां प्रश्न को। बस इसमें बस इतने ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट में। इसके बाद आ जाते हैं अध्याय 15 में आते हैं, तो अध्याय 15 में देखो 1 नंबर 2 नंबर 4 और 6 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, क्या पौधे में उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है, ये मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, आपको इसको देखना ही है। तो जो भी मैं टिक कर रहा हूँ वो सबको आपको पढ़ने तो ही पढ़ना ही पढ़ना तो है ही, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, छोड़ना नहीं है, जो भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ वो सबको सभी प्रश्नों को याद करना है। 2रा भी इंपॉर्टेंट है, 3रा भी इंपॉर्टेंट है, 4था इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5वां है इसमें, 6वां है, 7वां है, ठीक है, 8वां है इसमें, 8वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न अति लघुत्तरी दिए हैं ना वो सबके सब इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, ठीक है, 11वां हो गया, 12वां देखो, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, 13वां भी इंपॉर्टेंट है, 14वां भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लघुत्तरी खंड 1 में आते हैं, तो खंड 1 में देखो पहला प्रश्न आपको नहीं देखना है, 2रा आपको नहीं देखना है, 3रा भी नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको देखना है 4था प्रश्न, ठीक है, तो ये 4था इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। इसके बाद 6वां आपको नहीं देखना है, 7वां भी नहीं देखना है आपको, और इसमें 8वां प्रश्न भी आपको नहीं देखना है, डायरेक्ट खंड 2 में आते हैं। खंड 2 में
खंड दो का, लघु उत्तरी खंड दो का पहला प्रश्न देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको देखना है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी, 2011 में आया है, ठीक है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा चांस है कि ये प्रश्न आने के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई ये प्रश्न, ये दोनों चित्र जो मैं अभी बता रहा हूँ, इससे पहले वाला और ये दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आपको देखना है तीसरा प्रश्न, देखना है तीसरा प्रश्न कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको चौथा नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको देखना है पांचवा प्रश्न, ठीक है, ये पांचवा प्रश्न देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दीर्घोत्तरी में आते हैं, दीर्घोत्तरी के प्रश्न क्रमांक में एक को नहीं देखना है आपको, दूसरा को देखना है, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, इसको आपको याद करने हैं। और इसके बाद है तीसरा प्रश्न, देखो तीसरा प्रश्न है ये वाला, ठीक है, इसको भी आपको याद करने है, ये वाला नाम, ठीक है। तो इस तरह से 15 अध्याय तक के मैंने बता दिया, अब आगे देखते हैं 16 अध्याय को। 16 अध्याय में देखो 1, 2, 4, 6 के मिलेगा इसमें भी देखने को, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लो। तो इसमें जितने भी मैं अति लघुत्तरी प्रश्न बता रहा हूँ ना, इसमें भी आपको सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखना है, देखो 1, 2, ठीक है, तीसरा को भी पढ़ना है, चौथा को भी पढ़ना है, पांचवा को भी पढ़ना है, ठीक है, छठवा को भी पढ़ना है, सातवा को भी पढ़ना है, फिर आठवा को भी, नौवा, ठीक है, जितने भी इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न है वो सबको आपको पढ़ना है। 14वां प्रश्न देखो, 15वां देखो, ठीक है, 16वां, 17वां, 18वां और ये 19वां, ठीक है, और है क्या इसमें, तो बस 19 प्रश्न थे। अब खंड एक में देखते हैं, ठीक है, तो खंड एक में देखो, लघु उत्तरी खंड एक में, तो लघु उत्तरी खंड एक में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो खंड एक में ही दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको तीसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लेते हैं छठवा, देखो छठवा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सातवां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आठवां आपको नहीं पढ़ना है। फिर लघु उत्तरी खंड दो में देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शायद ये असाइनमेंट में भी आपका आया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, तीसरा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पे, ठीक है, इसमें खंड एक में, ठीक है, बस उतना ही पढ़ना पड़ेगा उसमें। अब डायरेक्ट आ जाते हैं दीर्घोत्तरी में आते हैं, ठीक है, तो दीर्घोत्तरी में देखो पहला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न में इसको भी आपको देखना है। फिर दीर्घोत्तरी में तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है, याद करना है मतलब। इसके बाद देखो 5वां प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, 5वां प्रश्न को भी याद करना है, चौथा आपको नहीं करना है, डायरेक्ट इसको करना है, 5वां याद करना है। अब आ जाते हैं अध्याय 17 में आते हैं, ठीक है, तो अध्याय 17 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, पहला दूसरा मतलब 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से आपको देखने को मिलेगा। तो अध्याय का नाम है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ठीक है, तो इस अध्याय में 1, 2, 4 के मिलेगा। अब आप देख लो 1 नंबर, 2 नंबर के प्रश्न, यहाँ पे जो जो प्रश्न यहाँ पे उन सभी को आपको देखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, IUPAC नाम पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है, फिलहाल मैंने इसको टिक तो कर दिया है, लेकिन बहुत कम पूछते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो 5वां, ये भी वैसी, ये भी इसमें वही चीज पूछा है, ये भी बहुत बहुत कम चांस है पूछने के, फिर भी आप लोग देख लेना, ठीक है। छठवां है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, ठीक है। यहाँ पे देखो IUPAC नाम जो पूछा है, यहाँ पे देखो क्या क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आया है वो इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। 10वां देखो, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन। 11वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिरका किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। 12वां इंपॉर्टेंट है, 13वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14वां भी है, ठीक है, 15वां भी है, यहाँ पे 16वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 16वां को भी देखना है अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक में। तो इसमें जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न है वो सब के सब इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और ये अति लघुत्तरी प्रश्न में सभी इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्न में जो एक बार प्रश्न आता है उसको कभी भी नहीं पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो जो नहीं आया ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न में, इसीलिए मैं सभी को यहाँ पे ऐड किया हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो लघुत्तरी प्रश्न खंड एक में देखते हैं, खंड एक में पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न आपको देखने हैं। फिर इसके बाद देखना है आपको दूसरा, देखो सीरा किसे कहते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखो एक प्रश्न मैंने लिखा है, एथिल एल्कोहल का सूत्र, ठीक है, ये प्रश्न वहां पे था प्रश्न बैंक में, तो मैंने वहां से उठा के यहाँ पे ले आया हूँ, आपको इसका सूत्र लिखने के लिए कहा जाएगा, तो ये सूत्र आपको लेना है, C2H5OH लिखना है, ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने ऐड किया है इसमें, इसमें नहीं था। इसके बाद यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठवा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, सातवां भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आठवां, नौवां, दसवां ये भी इंपॉर्टेंट, 11वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक में देखो, लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक में खंड दो है ना, ये खंड दो है, खंड दो में यहाँ पे आपको दूसरा देखना है, ठीक है, और ये तीसरा, तीसरा जो प्रश्न है इसका उत्तर ही खुद दूसरा ही है, ठीक है, इसीलिए ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट हो गया है फिलहाल, ये इसका उत्तर खुद ये है, याद रखना, ठीक है, इसका उत्तर अगर कहेगा तो आपको ये लिखना है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो
ये रहा, तो इन दोनों को आप इसके उत्तर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आपको चौथा नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट देखना है दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को देखना है आपको। इसके बाद इस अध्याय में आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक में दो, ठीक है, ये प्रश्न है, सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जैसे चित्र बना है ना वैसे ही यहाँ पे पूरा पूरा याद करना है आपको। अब आते हैं अंतिम अध्याय में, 18 अध्याय में, ठीक है। अठारहवा अध्याय क्या है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन गोली सतह से, ये है इस अध्याय में देखना है। तो 1, 3, 5 के आएंगे क्वेश्चन यहाँ पे, 1 नंबर वाला प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी 3 नंबर 5 नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो स्नेल का नियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है और उसका सूत्र भी यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो ये पूछा जाता है। इसके बाद है ये जुड़ के आएगा किसी न किसी के साथ, अकेला तो नहीं आएगा। इसके बाद पूर्ण परावर्तन प्रिज्म क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठवां प्रश्न, सातवां प्रश्न देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे 8वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो डायरेक्ट 10वां प्रश्न देखो, 10वां इंपॉर्टेंट है। अब लघुत्तरी खंड एक में आते हैं, ठीक है। तो खंड एक में ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी से संबंध संबंध लिखिए, ठीक है। यहाँ देखो फोकस दूरी की परिभाषा अलग से दिया है, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा अलग से दिया है, इन दोनों को याद करना है, ठीक है। परिभाषा अक्सर पूछा जाता है और दोनों से संबंध ये रहा, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, अंतर बताना है इसमें, समतल और उत्तल में 3 अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो लेंस की 3 उपयोग, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है लेंस के 3 उपयोग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद लघुत्तरी खंड 2 में देखो, तो पहला प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट नहीं लेना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक बार देख लेना, ठीक है, क्या क्या काम आता है, क्या क्या चीज़ आता है। फिलहाल यहाँ से प्रश्न 1 नंबर में बन सकता है, बाकी 2 नंबर 3 नंबर में नहीं बनेगा, ठीक है, 3, 5 में नहीं बनेगा। इसके बाद है यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखना है तीसरा प्रश्न, देखना है ये इंपॉर्टेंट है तीसरा प्रश्न। फिर यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। और 5 नंबर के प्रश्न में फोकस दूरी कह के पूछ देगा, तो ये आएगा 5 नंबर के प्रश्न में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट 6वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है, ये वाला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है 6वां, ठीक। ये इस तरह से इस अध्याय में बस इतने ही प्रश्न है, तो मतलब इस अध्याय में बस इतने ही प्रश्न थे, और जितना प्रश्न था वो टोटल मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। अब आप इन सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको वार्षिक पेपर में आपके एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है।